हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक पुराने शर्ट को कन्वर्ट करके स्टाइलिश टॉप बनाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक ये पुराना सा शर्ट लिया है। इसकी स्लीव्स को हम ऊपर से 9 इंच पर मार्क लगा लेंगे और यहाँ नीचे से 5 इंच पर मार्क लगा लेंगे। फिर इसको कट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड की बाजू भी कट कर लेंगे। अब ऊपर से नेक कट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 1 इंच और यहाँ से आधा इंच पर मार्क लगा लेंगे ताकि राउंड शेप में कटिंग हो सके। अब स्केल से लंबा मार्क कर लेंगे आगे तक। अब दूसरी साइड भी वैसे ही सेम 3-2-1 के माप से राउंड शेप में मार्क लगा लेंगे। अब कट कर लेंगे। कट हो गया है इस तरीके से। यहाँ हम इसको अंदर से फोल्ड करके ऊपर इलास्टिक के साथ सिलाई लगा लेंगे। अब ये बचे हुए कपड़े को कट करके रख लेंगे। इससे हम शोल्डर के स्ट्रिप तैयार करेंगे। ये मेरे पास इलास्टिक है, जैसा कि मैंने बताया था। यहाँ हम कपड़े को थोड़ा फोल्ड करके इलास्टिक के साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इलास्टिक लगा लिया है। अब स्लीव्स को भी किनारों से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। यहाँ फ्रंट साइड में बॉक्स प्लेट्स पर भी सिलाई कर देंगे। अब यहाँ शोल्डर स्ट्रिप लगाएंगे। ये कपड़ा मैंने कट कर लिया था, इसको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह की स्ट्रिप्स बना लेंगे। स्ट्रिप्स की लंबाई मैंने 10 इंच रखी है। बाजू से 3 इंच के गैप पे ये स्ट्रिप्स लगा लेंगे। ये दोनों शोल्डर पे स्ट्रिप्स लग चुकी है। यहाँ मैं बेल्ट लगाऊंगी, इसके लिए 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। बैक साइड पर भी मार्क लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हम इलास्टिक लगाएंगे। ये देखिए, मैंने शर्ट के कप्स कट कर लिए थे, तो दोनों साइड इनको मार्क के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए, बेल्ट की तरह से इसका लुक हो गया है। यहाँ मैंने दोनों साइड दो दो बटन लगा लिए हैं। अब बैक साइड में जहाँ मार्क लगाया था वहाँ इलास्टिक लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ मैंने इलास्टिक लगा लिया है, इससे इसकी फिटिंग स्ट्रेचेबल हो जाएगी। ये मैंने स्लीव्स के एक्स्ट्रा कपड़े से डेकोरेटिव फ्लावर डिजाइन बनाई है। ये मैं फ्रंट साइड में पॉकेट के ऊपर लगा दूंगी। आप चाहे तो यहाँ और कुछ भी डिजाइन लगा सकती हैं। तो ये हमारा स्टाइलिश क्रॉप टॉप तैयार हो गया है। आप भी पुराने शर्ट की मदद से इस तरह का क्रॉप टॉप घर पर बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट बॉक्स में रिस्पांस जरूर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बगल में नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।